राजधानी जयपुर में एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने शहर के जेएलएन मार्ग पर अपनी मांगों को लेकर निर्वस्त्र होकर विरोध दर्ज करवाया है। दरअसल ये महिला एएनएम के पद पर कार्यरत है और साल 2020 से एपीओ चल रही है। अपनी बहाली की मांग को लेकर महिला ने शहर के जेएलएन मार्ग पर मेडिकल कॉलेज के सामने अपने कपड़े उतार दिए, जिसे देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया है। इस दौरान सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता और चोमू विधायक रामलाल शर्मा ने कहा है कि ये घटना सरकार को शर्मसार करने वाली ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान को शर्मसार कर देने वाली है। सरकार को महिला की समस्या का जल्द से समाधान करना चाहिए। राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना और शर्मसार आप इसमें आते हैं कि ब्यावर से चलकर एक महिला जो दावा इस बात का करी है कि 2020 से लेकर एएनएम के पद के ऊपर मुझे एपीओ किया गया था, आज तक मुझे विभाग ने बहाल नहीं किया और जयपुर के अंदर आके अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए नग्न होकर सरकार की आंखें खुलाने का प्रयास करी। ये सरकार के लिए शर्मसार करने वाली घटना नहीं है, ये राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना है कि उच्च अधिकारियों की लापरवाही की वजह से किसी महिला को इस तरीके का कदम भी उठाना पड़े। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और जो भी नियम कानून के अनुसार समाधान हो सकता है वो समाधान निकालने का काम करे। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।